कभी कभी मैं सोचता हूं कि श्रेया जैसी लड़की ने तुझे क्यों पसंद किया? ऐसा क्या देखा तेरे अंदर? जस्ट अ लूजर, यू नो दैट? कहां श्रेया और कहां तू? तेरी बीवी है बहुत खूबसूरत, शी इज वेरी प्रिटी, और आज तो वो कमाल लग रही थी मेरी दी हुई ड्रेस में। आई स्वेयर शी इज वेरी प्रिटी। अच्छी चॉइस है ना, ड्रेस में भी और ड्रेस पहनने वाले में भी। चुप! एक शब्द और बोला तो अलका मैंने किल यू। अबे क्यों चिल्ला रहा है, क्यों भड़क रहा है, क्यों थका रहा है अपने आप को? तारीफ ही होती है तेरी बीवी की। वैसे एक बात सुन ले, तेरा कुछ होने नहीं वाला, इसलिए तेरे पे एहसान कर रहा हूँ, तू नौकरी रख ले और अपनी बीवी भेज दे। इससे अच्छी और आसान डील हो ही नहीं सकती, ट्रस्ट मी। वैभव प्लीज गुस्से में कुछ मत करना, वो तुम्हें जानबूझ के भड़का रहा है। वैभव प्लीज रुको। सर, वैभव को आपने भड़का तो दिया है, लेकिन प्लान क्या है आपका? ये जो गुस्सा होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, इंसान की वीकनेस होता है। गुस्से में अक्सर इंसान अपने होश खो बैठता है, उसके साथ भी ऐसे कुछ होगा। वो अगले 5 मिनट में तेज गाड़ी भगाकर यहां पर आएगा और कोई उसकी गाड़ी के आगे जाकर टकराएगा। उसके होश उड़ जाएंगे जब उसे मालूम चलेगा कि उसने किसको उड़ाया है। सो सॉरी आप अचानक से गाड़ी के सामने आ गए, आप ठीक हो? आपको चोट तो नहीं आई? ऋषभ सर आप ठीक तो हैं सर? वैभव क्या किया ये तुमने? हाँ, तुमने तो सच में सर की जाने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद मेरी गाड़ी के सामने आया, मेरी गाड़ी ने उसको टच भी नहीं किया है। वाह बेटे, हमने तो सोचा था तुमने सिर्फ धमकी दी है, पर तुमने तो सच में सर की जाने की कोशिश की। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। देखो तुम अब। हेलो पुलिस, हवलदार साहब, हमारा बेटा वैभव तोशीवाल कहाँ पर है? वहां पर। मम्मी, मम्मी इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को आपने लॉकअप में क्यों बंद किया? क्या क्या उसने? मिस्टर ऋषभ वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आपके बेटे ने इनको जान से मारने की कोशिश की है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ इंस्पेक्टर साहब। ऋषभ जी, ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये क्यों कर रहे हैं आप ये सब? इस सवाल का जवाब अपने बेटे से लीजिए। मतलब क्या सोचा था मैंने और क्या निकले आप लोग? क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए, बिजनेस पार्टनर बनाया, आपके बावर्ची बेटे को शेफ की नौकरी दी, वो भी मेरे 5-स्टार होटल में। इतना गलत था मैं आप सबके बारे में? आई मीन, सही कहते हैं लोग कि छोटे छोटे लोगों को अगर सर पे बिठाओ ना, तांडव करते हैं वो लोग। पापा से तमीज से बात करो ऋषभ, अच्छे से पता है तुमने वैभव को फंसाया है।
श्रेया जी आप भी आई हैं। नजर इधर। तुम्हें समझने में हम सब ने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारा चरित्र इस तरह होगा हमने सोचा भी नहीं था। नजर और नियत दोनों ही खराब है तुम्हारी। देखो ऋषभ, हमें तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रखना है, इसलिए बख्श दो हमें और छोड़ दो मेरे बेटे को। आंटी जी, आप जानती भी हैं कि आपके बेटे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और फिर जानलेवा हमला भी किया। अरे झूठ बोल रहा है ये। मेरे हिसाब से आपका बेटा खुला छोड़ने के लायक नहीं है। किस बात का बदला ले रहे हो तुम? कुछ दिनों पहले तक तो हम तुम्हें जानते तक नहीं थे, क्यों फंसा रहे हो मेरे बेटे को? मैं फंसा रहा हूं? बस तो मैं क्या हूं आप सबकी हेल्प करने के चक्कर में? क्या कुछ नहीं किया मैंने आप सबके लिए? आपके बेटे को शेफ की नौकरी दी पर उसको मन नहीं भरा, मुझे कहने लगा कि उसको बड़ी पोस्ट चाहिए, हेड शेफ की। इंस्पेक्टर साहब आप ही बताइए, बिना एक्सपीरियंस के मैं उसे हेड शेफ की पोस्ट कैसे दूं? समझाया मैंने उसे पर नहीं, वो तोड़ गया। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे उसने क्या ऑफर दी, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। छी छी से एक इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? I can't believe this. क्या ऑफर दिया था? कैसे बताऊं मैं आपको? मुझे बोलने लगा कि अगर मैंने उसे हेड शेफ की जॉब दी तो अपनी बीवी को मेरे पास एक रात के लिए भेज देगा। ऋषभ, can you believe this? एक आदमी इतनी गिरी हुई हरकत, मतलब अपनी बीवी का इस्तेमाल करेगा? ऋषभ, क्या कर रही हैं आप? संभालिए इन्हें। सर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं, बाप के सामने ऐसे हैं तो देखिए सर, मैंने इन सबको पार्टी में बुलाया, इज्जत दी, मान दिया। उसने घटिया बात करी, मैंने तभी उसे बोल दिया था कि मैं जॉब से निकाल रहा हूं तुझे, पर नहीं, भड़क गया। सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया पार्टी में, पूछ लीजिए आप। मैंने तब भी कंप्लेंट नहीं करी, कहा कि लेट इट बी, जाने दिया, लेकिन मुझे क्या मालूम था, आई डिडंट नो दैट कि मेरे पीछे पड़ जाएगा ये। सर, ये झूठी कहानी बना रहे, वैभव ने ऐसा कुछ नहीं किया। सच तो ये है कि ये आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की, वैभव तो बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। मैंने इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर पति तो पति बीवी कम नहीं है, दोनों ने मिलकर टारगेट बनाया मुझे और मेरी पार्टी में मुझे इंप्रेस करने के लिए रिवीलिंग कपड़े पहन कर आए। इसने ये भी नहीं सोचा कि वहां पे साफ सुथरे होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। और उसके बाद पीछे पीछे मेरे बेडरूम तो चल गया और पीछे आया उसका पति और दोनों मिलके मुझे ब्लैकमेल करने लगे। कहने लगा कि अगर मैंने उसे हेड शेफ नहीं बनाया तो वो मुझ पर अपनी बीवी को मोलेस्ट करने का इल्जाम लगाएगा। Can you believe this? एक आदमी इतना नीचे गिर सकता है? Shut up! सर, इस आदमी के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द झूठ है। कहानी बना रहा है वैभव को फंसाने के लिए। अब प्लीज इसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। एक औरत के साथ कैसे बिहेव करते, उसकी हर लिमिट क्रॉस कर दी इसने। इसने मुझसे पूछा कि मैं एक Very nice acting. कमाल की एक्टिंग करती हैं आप। इंस्पेक्टर साहब, जो इन्होंने कहा है वो सच है तो इनसे पूछिए कि क्या मैंने इनके साथ बदतमीजी की, क्या मैंने टच किया, गले लगाया? रिया जी, आप जो इल्जाम लगा रही हैं मिस्टर ऋषभ वर्मा पे, उसका कोई सबूत है आपके पास? क्या इन्होंने कुछ किया था आपके साथ? क्या कोई गवाह होगा जिसने कुछ देखा होगा कि ऋषभ वर्मा ने आपके साथ बदतमीजी की हो? इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होगा तभी तो बोलेंगे ना।
कुछ नहीं है मेरे खिलाफ. आई एम इनोसेंट. जब पार्टी में मुझे ब्लैकमेल करने का भी मन नहीं भरा तो सबके सामने मुझे मारने की धमकी दी. पार्टी में और भी लोग थे, आप पूछिए इनसे. ये सही है, आपके पति ने इनको मारने की धमकी दी थी. सर आप मुझे तो समझिए, इंसान कभी कभी गुस्से में कुछ भी बोल जाता है लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं होता. कैसे मतलब कुछ नहीं होता? टेल मी कैसे. ये देखिए आप, ये हाथ देखिए मेरा, ये देखिए. अगर इसके अलावा भी आपको सबूत चाहिए तो पूछिए. ये दोनों वहां पे बताइए. हाँ सर, मिस्टर ऋषभ बिल्कुल सही कह रहे हैं. वैभव ने पार्टी में मिस्टर ऋषभ को जान से मारने की धमकी दी थी. पार्टी में और भी बहुत से लोग थे, उन सब ने देखा कि वैभव ने ऋषभ को जान से मारने की धमकी दी. सर ऐसा नहीं है जैसा ये सोच रहे हैं. आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर वर्मा, इतने सबूत काफी है. अब तो वैभव तोशनीवाल पे सेक्शन 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगेंगे. कड़ी से कड़ी सजा होगी इसे. आप देखिए अब तो लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा. थैंक यू इंस्पेक्टर, आपसे यही उम्मीद थी मुझे. इंस्पेक्टर साहब कोई तो तरीका होगा मेरे बेटे को बचाने का. अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, आपका बेटा तभी बाहर निकल सकता है जब मिस्टर ऋषभ वर्मा अपनी कंप्लेंट वापस ले ले. ऋषभ जी, जिंदगी भर अपनी बात मनवाने के लिए मैंने लोगों के सामने सिर्फ चीखा है, चिल्लाया है, कभी हाथ नहीं जोड़ा, सर नहीं झुका. पर आज ये बाप अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. बस अपनी रिपोर्ट वापस ले लीजिए. आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं. देखिए नहीं तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. प्लीज अंकल, ये क्या कर दिया आपने? मेरा इतना महंगा जूता खराब कर दिया. जानते भी हैं इसकी कीमत क्या है. चलिए काम कीजिए, साफ कीजिए. कम ऑन फास्ट. ऋषभ और किस हद तक गिरोगे? तुम्हारे पिता की उम्र के कम से कम इसका तो लिहाज कर लिया होता. अरे क्या कहा मैंने? इतने इज्जत से तो कहा कि जूता साफ कीजिए. महंगा जूता है ना, खराब कर दिया, साफ करना तो बनता है. और मैं भी तो देखूं कि एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकता है. आई मीन एक बाप के प्यार का टेस्ट हो जाए आज. कम ऑन फास्ट, जूता साफ कीजिए. पापा, पापा नहीं, पापा प्लीज प्लीज प्लीज, आप ऐसा नहीं करेंगे पापा. नहीं अगर करना ही है ना पापा तो मैं करूंगा. तुम रहने दो श्रेया.
तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया। हम एक बाप को अपने बेटे को बचाने के लिए जो करना है वो करेगा। पापा नहीं। साफ किया है तो अंकल ये भी साफ कर दीजिए। मेक श्योर पहले की तरह चमकना चाहिए है? देखिए ऋषभ जी, मैंने आपका जूता चमका दिया, कब तो अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए और मेरे बेटे को छुड़वा दीजिए प्लीज। अरे अंकल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? और मैंने कब कहा कि अगर आप मेरा जूता साफ करेंगे तो मैं आपके बेटे को छुड़वा दूंगा या अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा। वैसे भी अंकल जी मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करवाता। फेयर इनफ आई एम श्योर इट इज फेयर इनफ। अपने पैसे और पावर से तुमने वैभव को तो फंसा दिया, लेकिन ये मत समझना कि हम हार मानेंगे। मैं अपने पति को जेल से बाहर निकलवा के रहूंगी। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। वैभव तुम हार मत मानना, हम तुम्हें बाहर निकाल के रहेंगे। कोई कुछ भी कहे तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है, तू देखना मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगी। चलिए मिलने का टाइम खत्म हुआ, जाइए आप लोग। मम्मी पापा को ध्यान देना।